किसी भी बैंक पर अकाउंट खोलना कितना खतरनाक है का जो भी पासबुक है इस मशीन पर अपडेट नहीं होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, ना तो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल पाया, ना नेट बैंकिंग चालू कर पाया, ना ही अपना जो पासबुक है वो अपडेट करा पाया, और सर्विस पॉइंट पर जो मशीन है वो खराब हुआ पड़ा है। कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे पैसा भर के रख सकते हैं, जब चाहे अकाउंट खाली कर सकते हैं। अगर 15-20 दिन अकाउंट खाली भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीरो बैलेंस पर किसी भी बैंक पर अकाउंट खोलना कितना खतरनाक है, खोलने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, आज के वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। क्योंकि कल मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे उसको ये जो चीज़ें हैं उनके साथ आगे इन फ्यूचर हो सकता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीरो बैलेंस पर खाता खोला मतलब इसका क्या होता है। जीरो बैलेंस यानी आपको समझ में ही आ रहा है, जो पैसा ना दे के जीरो बैलेंस पर अपना जो खाता है बही खाता वो खुलाते हैं उसको कहते हैं जीरो बैलेंस पर खाता खोलना। आप बोलोगे कार्तिक भाई ये तो सबको पता है, आगे का चीज़ें बताता हूँ। जीरो बैलेंस पर खाता खोलने पर आपको फ़ायदा क्या मिलता है। जीरो बैलेंस पर खाता खोलने पर कभी आपको इमरजेंसी होता है, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है ज़ीरो होकर आप उठा सकते हैं, या एक रुपये रख के भी आप पूरा बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ऐसा आज़ादी देते हैं। लेकिन कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे पैसा भर के रख सकते हैं, जब चाहे अकाउंट खाली कर सकते हैं। अगर 15-20 दिन अकाउंट खाली भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट है। लेकिन इसका बहुत सारे नुकसान है जो मेरे साथ हुआ है, मैं आगे चल के बताऊँगा। तो मेरा पैसा दे के भी है और ज़ीरो बैलेंस पर भी है। तो जो ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है, कल मैंने बैंक में गया मेरा जो अकाउंट है उसका स्टेटमेंट निकालने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत था एक मतलब स्टेटमेंट चाहिए था 6 महीने का। तो मैं बैंक में गया, जैसे ही मैं फॉर्म जो है उसको फिलअप करके काउंटर में दिया ऑफिसर के पास, तो उन्होंने बताया अरे आपका तो ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है, इसमें हम कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि ज़ीरो बैलेंस पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट किसी भी चीज़ का मिलेगा नहीं। मैं बोला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं नेट बैंकिंग चालू कर लेता हूँ तो वहाँ से भी मैं अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ। तो मैंने फिर से एक फॉर्म भरा और फिर उनको जमा किया, जो काउंटर है उन पे ऑफिसर को दिया। उन्होंने बोला अरे सर, यहाँ पर नेट बैंकिंग भी नहीं कर सकते आप, आपका ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है, आप नेट बैंकिंग कैसे चालू कर सकते हैं, ऐसा सुविधा हम नहीं दे सकते। बैंक का नाम नहीं बताऊँगा, ये थोड़ा सा मतलब बैंक का नाम खराब हो सकता है तो मैं ऐसा नहीं बता पाऊँगा। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आपको नेट बैंकिंग भी चालू नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरा जो पासबुक है उसको अपडेट तो करा दीजिए। तो अपडेट कराने से क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा कि मेरा ये बैलेंस मेरा अकाउंट पर क्रेडिट हुआ है, ये बैलेंस मैंने दूसरे को पे किया। तो मैंने जब पासबुक अपडेट कराने के लिए गया तो वहाँ पर जो मशीन होता है वो मशीन पे क्या दिखाई दे रहा है कि ज़ीरो बैलेंस का जो भी पासबुक है इस मशीन पर अपडेट नहीं होगा। बताइए तो कितना दिक्कत भरा हो गया, मतलब कितना टेंशन में आ गया। आप बोलोगे कार्तिक भाई तो आप वो खाता कहाँ पर खुलवाए हो, आपको ब्रांच में नहीं हो रहा है। देखिए, मैं जहाँ पर खाता खुला वो गाँव में जो लोकल गली में गलियारे में जो सर्विस पॉइंट होता है, मालूम है ना आपको, मतलब कोई भी एक बड़ा ब्रांच है उसका बहुत सारे सर्विस पॉइंट, उस ब्रांच का जो रेडिएशन है मतलब उस ब्रांच का जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से बहुत सारा सर्विस पॉइंट दिया जाता है ताकि लोगों को सुविधा मिले और काफ़ी लोगों का जो भीड़ है वो मेन ब्रांच पर ना हो जाए, तो इसीलिए सर्विस पॉइंट दिया जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसीलिए सर्विस पॉइंट दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं जो अकाउंट खोला वो सर्विस पॉइंट पर था, वो ज़ीरो बैलेंस पर था।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी सर्विस पॉइंट पर जीरो बैलेंस पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। आप वहां पर अपने मर्जी के हिसाब से अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा देके भी खोल सकते हैं और ज़ीरो बैलेंस पर भी खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, यानी कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि मुझे सर्विस पॉइंट पर ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने पर मेन ब्रांच पे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, ना तो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल पाया, ना नेट बैंकिंग चालू कर पाया, ना ही अपना जो पासबुक है वो अपडेट करा पाया, और सर्विस पॉइंट पर जो मशीन है वो ख़राब हुआ पड़ा है। तो अभी इस टाइम पर मुझे बहुत दिक्कत चल रहा है, मतलब कि ये मैं इसलिए सोचा कि क्यों ना इस पर एक एजुकेशन वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने पर ये सारे चीज़ें हमें नहीं दिया जाता है, मिलता नहीं है। देखिए अभी दोनों का कंपेयर करते हैं। ज़ीरो बैलेंस पर आप अगर अकाउंट खोलेंगे तो आप एटीएम कार्ड तो लेंगे, लेकिन आपको जो चेकबुक है उसका सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको पैसा देके खरीदना, मतलब पैसा जो देके अकाउंट खोलेंगे उसमें आपको पासबुक भी मिलेगा, एटीएम कार्ड भी मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा। अगर ज़ीरो बैलेंस पर आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक सब कुछ चाहते हुए भी आपको वो सर्विस नहीं दे पाता है, क्योंकि हर सर्विस का कोई ना कोई कॉस्ट होता है। तो आप अकाउंट ज़ीरो पर खोले हो तो कैसे वो सर्विस वो बैंक वाले जो है वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये अमूमन जो साधारण लोग हैं उनको जानकारी ना होते हुए ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए आगे से ध्यान रखिएगा, जो अकाउंट खोल लिए उसका कोई तो कर नहीं सकते, लेकिन एक नया पैसा देके अकाउंट खोल के रखिए, उसमें सारा काम करिए, उसमें क्या होगा आपको सब कुछ चीज़ें अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि पैसा बगैर दिए कोई भी काम सही तरह से होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई कॉस्ट होता है, तो आपको पैसा देके ही कराना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे से ज़ीरो बैलेंस पर आप अकाउंट मत खोलिएगा, जो हो गया उसको छोड़िए, मतलब वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक पैसा देकर भी अकाउंट खोल लीजिए। कंक्लूजन ये है कि ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट मत खोलिए। आप बोलोगे कार्तिक भाई जो हो गया उसको तो कैसे करेंगे ठीक, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन करना ये है आपको आगे एक नया अकाउंट खोलना है जिस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है, मतलब जैसा आप ट्रांजैक्शन करते हो वो नया अकाउंट पर करिए, वहाँ पर आपको चेकबुक की सुविधा मिलेगा, एटीएम कार्ड की सुविधा मिलेगा। आप बोलोगे ज़ीरो वाले अकाउंट पर एटीएम कार्ड की सुविधा मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन वहाँ पर एटीएम का जो कॉस्ट है वो तो आप ऐसे ही ज़ीरो वाले अकाउंट पर भी कर रहे हो, तो आप पैसा देके वही सेम कॉस्ट पे कीजिए, आपको बेहतर सब कुछ मिलेगा। और अगर ज़ीरो बैलेंस पर अगर जिस जगह पर ज़ीरो बैलेंस पर आप अगर पैसा रखेंगे बैंक में, तो जहाँ तक मैंने वॉच किया है कोई भी इंटरेस्ट मुझे उधर मिलता नहीं है। दोस्तों जो आपके पास अकाउंट है उसको छोड़ के आप एक नया अकाउंट बनाइए, ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है उसी में करते रहिए, तो आपको बेहतर जो काम है आप बेहतर सर्विस आपको मिलेगा। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है, दोस्तों जो भी करिएगा सोच समझ करिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया ताकि इन फ्यूचर आप जाके मेरी तरह प्रॉब्लम में ना फंसो। अभी मेरा क्या हाल है, मैं ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना अकाउंट स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, ना कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए जो भी काम करिएगा सोच समझ के करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसी तरह आप और भी अलग अलग वीडियो चाहते हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और भी बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो चैनल को झट से सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।